कैसे समाज में रह रहे हैं, कैसी मानसिकता के साथ जी रहे हैं हम। इंसान उसी के जीवन का दुश्मन बन रहा है जो उसे जीवन दे रही है। सरकार द्वारा, समाज द्वारा, सामाजिक संस्थाओं द्वारा महिलाओं और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि लड़कियां भी समाज का एक अभिन्न हिस्सा हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसी विकृत मानसिकता के लोग हैं जिन्हें शायद ये नहीं पता कि बेटी वरदान है। वो तो बस उन्हें बोझ समझते हैं और बदनसीबी ऐसी है कि पैदा होते ही उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। हाल ही में ऐसा वाकया यूपी में देखा गया, जहां बदायूं में पुलिस कंट्रोल रूम के कुछ ही दूर एक नाले में नवजात बच्ची पड़ी मिली। बच्चे के माँ बाप शायद ये सोचकर उसे वहां छोड़ गए कि नाले में डाल देने से वो मर जाएगी और उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन वो कहां जानते थे कि इस बच्ची का जीवन तो अभी शुरू ही हुआ है जिसे वो खत्म करने की सोच रहे हैं। लोगों ने देखा कि मिट्टी में दबी एक बच्ची नाले में है और रोने की आवाज आ रही है। इसके बाद यूपी 100 पर एक कॉल आया कि बच्चा नाली में देखा गया और उसके हाथ पैर चल रहे हैं, जल्दी आ जाइए। पुलिस कंट्रोल रूम कुछ ही दूर है और फोन आते ही यूपी 100 के कर्मचारी दौड़कर तुरंत वहां पहुंचे और देखा तो मिट्टी में लिपटी एक बच्ची दिख रही थी जिसकी दबी सी चीखें अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रही थी। तुरंत ही पुलिसकर्मी ने उसे अपने हाथों में उठाया और हॉस्पिटल लेकर भागे, जहां डॉक्टरों द्वारा बच्ची का इलाज किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची 6 से 7 घंटे पूर्व जन्मी हुई थी। बच्ची की हॉस्पिटल में देखरेख की जा रही है और अब वो स्वस्थ है। लेकिन अस्वस्थ है तो उन लोगों की मानसिकता जो इस बच्ची को नाजों से पालने की जगह नाले में फेंक गए। ऐसे लोगों को बस यही कहेंगे कि बेटा हो या बेटी, आप अंतर कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के लिए माँ बाप एक ही हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।